स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर इन द लेक्चर नंबर नाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स इन अवर प्रीवियस लेक्चर वीन कंक्लूडेड अवर डिस्कशन ऑन द मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस ऑफ द रेश हमने कुछ ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने जो रिलेशनल कैलकुलस उसको डिस्कस किया डिस्कशन के बाद वी कंक्लूडेड के दैट वाज ऑल दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डेटाबेस कंपोनेंट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कोर्स फिर उसके बाद वी मूव्ड ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द बैकग्राउंड एंड वॉज द कंप्यूटर नेटवर्क इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइंड वट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क और फिर हमने कहा कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स हैं विच आर इंटरकनेक्टेड और दूसरी बात यह कि दुड बी अटोनोमस आफ्टर दैट वी ब्रीफली डिस्कस्ड समा कम्युनिकेशन और उसमें हमने जो चीजें डिस्कस की थी उसमें एक था मॉडुलेशन मल्टीप्लेक्सिंग और मोड ऑफ ऑपरेशन मॉडुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब हमने अपने जो डाटा है उसको ट्रांसमिट करना है उसको सेंड करना है ऑन एन एनोलॉग लिंक तो उसमें यह है कि उसको डाटा को उस लिंक पे भेजने से पहले वी हैव टू परफॉर्म द मॉड्यूलेशन ऑन द डाटा और जिस सेंट पे जब वो रिसीव होगा तो दोबारा जब एनालॉग फॉर्म में रिसीव होगा तो उस पर डी का ऑपरेशन करना होगा तब वो जो रिसीवर है जिसके लिए डाटा भेजा गया था या जो उसका रिसिपियट है वो उस डाटा को अंडरस्टैंड कर सकेगा तो हमने ये पढ़ा था कि जो कंपोनेंट या जो डिवाइस इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है मॉड्येशन और डी को उसको मोडैम कहते हैं आफ्टर दैट वी ऑल्सो डिस्कस दल्टीप्लैक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग का एडवांटेज यह है कि हम उसमें मुख्तलिफ जो आप कह सकते हैं कि जो सिग्नल्स हैं डिफरेंट में डाटा ट्रांसमिट करना है उसमें हम मिक्स करते हैं सिग्नल्स को और उसका एडवांटेज यह है कि सेम लिंक के ऊपर हम डिफरेंट डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं उसका फायदा यह है कि जो यूटिलिटी है हमारे लिंक की वो बढ़ जाती है डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमने डिस्कस किया था मोड ऑफ ऑपरेशन के बारे में कि हमने पढ़ा था कि हम जो ऑपरेट कर सकते हैं या डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं वो तीन डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हैं एक जिस हमने कहा था कि सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स एक में हम डाटा को हमेशा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेज सकते हैं दूसरे में यह है कि हम दोनों डायरेक्शन में भेज तो सकते हैं लेकिन हमें उसकी डायरेक्शन को सेट करना होगा और फिर जब हमने एक डायरेक्शन सेट कर ली उस केस में डाटा उसी डायरेक्शन में जाएगा अनलेस कि हम कुछ चेंज ना कर दें और फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो जो डुप्लेक्स है उसमें हमारे पास जो है ना दोनों साइड्स में यानी डाटा जो है वो जा सकता है फाइनली हमने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में ये पढ़ा था कि जो परफॉर्मेंस है किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की उसमें तीन चीजें मैटर करती हैं ऑब्वियसली एक तो बैंडविट है बैंडविट्स से बात यह है कि क्या कैपेसिटी है हमारे लिंक की एक यूनिट टाइम में डाटा को सेंड करने की दिस इज कॉल्ड बैंडविथ तो जाहिर है कि पहली बात तो आपकी कैपेसिटी की या की आती है कि, कि किसी भी कम्युनिकेशन चैनल की या लिंक की क्या बैंडविथ है यह मैटर करती है आपके एक कम्युनिकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिटर्मिन करने के लिए दूसरी बात है मोड ऑफ ऑपरेशन जाहिर है कि वो सिंप्लेक्स है हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है यह चीज मैटर करती है और तीसरी चीज इसमें जो मैटर uh, करती है कि उसके दरमियान में सॉफ्टवेयर कौन कौन से और कितने एम्प्लॉय हुए हैं क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ा था कि नॉट ओनली द डाटा दैट यू वांट टू सेंड इज सेंट प्रैक्टिकली रदर फर्दर थिंग्स आर एडेड इन इट बाय द सिस्टम इट्स और जाहिर है कि वो जो जो यानी चीजें ऐड करना वो जरूरी क्यों है जरूरी इसलिए है ताकि डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर uh, तक प्रॉपरली पहुंच सके तो ये तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था डाटा कम्युनिकेशन के बारे में आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन द कंप्यूटर नेटवर्क हमने कहा था कि जो कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनको uh, उनकी क्लासिफिकेशन करने के डिफरेंट तरीके हैं जाहिर है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क हैं लेकिन उनकी टाइप्स हम जो डिफाइन करते हैं उसके लिए हमारे पास तीन बेसिस हैं उनमें से एक तो है कि उसका जो इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर है के जो कंप्यूटर्स हैं और उसमें कैटेड किस तरह से हैं इसको हम टपोलॉजी कहते हैं दूसरा हमारे पास ट्रांसमिशन मोड है ट्रांसमिशन मोड में यह है कि वो डाटा ट्रांसमिट किस तरह से करते हैं और जहां तक टपोलॉजी की बात है उसमें हमने कहा था कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास लाइक स्टार है रिंग है मेस्ट है या बस है इसके बाद हमने बात की थी ट्रांसमिशन मोड की नेटवर्क जिस डिफरेंट डाटा ट्रांसमिट करते हैं उसमें ट्रांसमिशन मोड हमारे पास दो है मेनली एक है पॉइंट टू पॉइंट और एक है ब्रॉडकास्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट टू पॉइंट जो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक लिंक होगा और जो जो ये लिंक है ये डायरेक्ट भी हो सकता है कि दो कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और ये भी हो सकता है कि दरमियान में कुछ और इंटरमीडिएट कनेक्शंस हैं और जाहिर है कि जब इंटरमीडिएट कनेक्शंस हैं या डायरेक्ट है ये डिसाइड कैसे होगा डिसाइड इस तरीके से होगा कि जो मैसेज है उसके अंदर कंटेंट है सेंडर और रिसीवर का एड्रेस तो अब होगा ये कि जब आपका मैसेज जाएगा तो इसमें वो चाहे वो डायरेक्ट कनेक्शन है या उसमें डिफरेंट और इंटरमीजिएट कशन इन्वॉल्व हैं उनके थ्रू गुजरेगा लेकिन अल्टीमेटली जो उसकी डेस्टिनेशन है वही तक जाएगा फिर इसमें यह है कि जब आपके पास एड्रेस है आपके डेस्टिनेशन का तो दरमियान में जब कोई कंपोनेंट चाहे वो कंप्यूटर है या कोई और कंपोनेंट है वो इसको रिसीव करता है तो वो उस रिसीवर के या जिसके लिए वो टारगेटेड uh, है उसके एड्रेस को देखता है तो अगर तो वो एड्रेस उसका अपना है तो फिर तो ठीक है लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर वो उसको आगे सेंड कर देगा और इसमें यह है कि इसका फिर मतलब ये भी है कि जो आपके दरमियान जो आपका सेंडर और रिसीवर है इनके दरमियान लिंक के डिफरेंट रूट्स में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसमें हमने एक बात ये पढ़ी थी कि जो इसमें हम कम्युनिकेशन के लिए जो मीडियम इस्तेमाल होता है जो नॉर्मली वो हमारे पास केबल जो इस्तेमाल होती हैं उनमें से कोस केबल कहलाती है और उसमें से ट्विस्टेड पेयर है और फाइबर ऑप्टिक्स है तो ये तीन मेजर टाइप्स की केबल्स हैं जो कि जनरली हम कम्प्यूटर के درمیان इस्तेमाल करते हैं इसके बाद जो हमारी डिस्कशन है वो आई थी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के ऊपर और उसमें ये है कि वो जनरली हम uh, जो है वो ब्रॉडकास्ट uh, करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स को उसको रिसीव करते हैं और जो जिसका जो रिसीवर है एक्चुअल जिसके लिए टारगेटेड है वो उसको एक्सेप्ट करता है प्रोसेस करता है और बाकी उसको इग्नोर करते हैं तो इसमें जो मीडियम इस्तेमाल होते हैं जनरली वो हैं सेटेलाइट और रेडियो लेकिन इसके साथ ही हम इसमें माइक्रोवेव भी इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी डिस्कशन हुई थी पिछले लेक्चर में नेटवर्क्स और डाटा कम्युनिकेशन के बारे में आज के लेक्चर में हमारी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू करेगी नेटवर्क्स के बारे में और फिर हम टच करेंगे बैकग्राउंड का जो हमारा टॉपिक है उसको ख़त्म करते हुए जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के उनको हम डिस्कस करेंगे तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स हमने कहा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिफरेंट टाइप्स उसकी बनाने के लिए उसकी डिफरेंट टाइप्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन क्राइटेरियन है तो दो क्राइटेरिया तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं और आज हम जो तीसरा क्राइटेरिया है जिसे हम कहते हैं स्केल या जिसे हम कहते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेटवर्क उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं दीज आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्कस बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योग्राफिकल स्केल जो उसका साइज है उसके लिहाज से जैसा आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि इसमें एक है लोकल एरिया नेटवर्क एक है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और तीसरा है वाइड एरिया नेटवर्क अब कहने को मतलब तीन नाम हैं डिफाइन हुए और दिस स्टिल एग्जिस्ट लेकिन जो इनके दरम्यान डिस्टिकशन है फर्क है वो इतना क्लियर नहीं है मतलब डेफिनेटली देर सर्टन थिंग्स एट लाइक ऑन द बाउंड्री और उसको आप ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं लेकिन एनी anyway, ये जो तीन टाइप्स के नेटवर्क्स हैं दे आर देयर और चूंकि मैंने आपसे कहा कि इनके दरमियान डिफरेंसेस इतने क्लियर डिफाइंड नहीं है इसलिए जो एक्चुअल या जो मोर इंपॉर्टेंट कहना चाहिए जो क्राइटेरियन है जिसके बेसिस पे नेटवर्क जो है वो आ, आप उनमें डिस्टिंगश करते हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं जिसको कि हम आइंदा डिस्कस करेंगे वैन बेसिकली ये वाइड ए नेटवर्क हैं इसमें जो इनका इस्तेमाल है वो होता है मुख्तलिफ शहरों के दरमियान अगर आपने डिफरेंट शहरों में कंप्यूटर्स को लिंक करना यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके नेटवर्क में जो कम्प्यूटर्स शामिल हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं या यू हैव टू कनेक्ट कम्प्यूटर्स फ्राम डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज और इवन इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अब यह है कि ज़ाहिर है चूंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हैं मल्टीपल इंटरमीडिएट लिंक्स इन्वॉल्व हैं और फिर मल्टीपल इसमें जो, जो है वो ट्रांसफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व हैं तो इसकी वजह से आपको ये जो इसमें बैंडविड्थ मिलती है वो नस्बता लो मिलती है जो एक्चुअल है जो फाइनली मिलती है और इसके अलावा जो लेटेंसी है इसमें डिले है वो नस्बता ज्यादा है नस्बता से मुलाद ये कि जो बाकी टाइप के नेटवर्क हैं जो कि हम पढ़ेंगे उनकी निस्बता इनमें जो लेटेंसी है वो ज्यादा है आपके जो वाइड एरे नेटवर्क्स हैं वो ब्रॉडकास्ट बेस्ड भी हो सकते हैं और पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकते हैं अब जो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स हैं आपके वाइड एरे नेटवर्क्स, उसमें जो है दो टेक्निक्स इस्तेमाल हो सकती हैं एक को हम कहते हैं सर्किट स्विचिंग और एक है पैकेट स्विचिंग अब सर्किट स्विचिंग ऐसी चीज़ है कि जिससे हमें से मोस्टली लोग जो हैं वो फेमिलियर हैं इसमें होगा ये कि आपका जो सेंडर और रिसीवर है इनके दरमियान एक एक्सप्लिस जो है वो लिंक इस्टेब्लिश होगा और ये ख़ासतौर पर जो हम जब टेलीफोन लाइन या टेलीफोन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे पास ये जो साकेट्स होचिंगे इस्तेमाल होती है मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें कि आप लाहौर से कॉल करना चाहते हैं और आप पशावर में या रावलपिंडी में किसी और से बात करना चाहते हैं बल्कि तो इसको आप अगर यहाँ से स्टार्ट करें कि इवन अगर आप विद द सेम सिटी हैं डर से लाहौर में तो उस केस में इट वॉन्ट फॉल इन टू द वैन ये फिर एक और टाइप का नेटवर्क बन जाएगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अगर आपने लाहौर में रहते हुए लट से इस्लामाबाद पशावर या कराची में किसी से बात करनी है फोन पे तो आप उनका नंबर डायल करेंगे तो अब इसी में आपका जो घर से टेलीफोन लाइन जो आपके चल रही है जो कि आपके हाथ में जो रिसीवर है या जो आपका टेलीफोन है वहां से स्टार्ट हो रही है और लट से कराची कर में अगर आपका दोस्त है कोई रिलेटिव है उनसे हमने बात करनी है तो

इसके अलावा जो दूसरी इसमें जो यानी कम्युनिकेशन का तरीका इस्तेमाल होता है वो है पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग का बेसिक आइडिया ये है कि आपने जो मैसेज सेंड करना है उसको आप डिवाइड कर दें इनटू डिफरेंट पैकेट्स। यानी आपका एक मैसेज जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ और द साइज ऑफ द मैसेज और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पैकेट बाई द सर्डन प्रोटोकॉल वो different packets में एक दो तीन या इससे ज्यादा पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा फिर उसके बाद यह कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो आपने मैसेज भेजना होता है या जो, जो डाटा आपने भेजना होता है उसके अलावा भी उसमें चीजें ऐड होती हैं तो इसका मतलब है कि जितने आपके एक्चुअल डाटा जो आपने सेंड करना है उसके जितने पैकेट बनेंगे तो हर पैकेट के साथ कुछ एडिशनल डाटा ऐड होगा जो कि सिस्टम जो नेटवर्क कंपोनेंट है नेटवर्क सिस्टम वह खुद उसमें ऐड करेगा फिर उसके बाद ये होगा कि ये पैकेट जो है वो मूव करेंगे आपके जो डाटा कम्युनिकेशन लिंक है उनके ऊपर मूव करेंगे अब हम ये पहले बात कर चुके थे कि पॉइंट टू पॉइंट जब हमारे पास एक कम्युनिकेशन हो रही है तो जाहिर है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिफरेंट रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं यानी सेंडर से रिसीवर तक रिसीवर तक जाने के लिए आप डिफरेंट पाथ्स अब पाथ में जाहिर है कि इसमें जाहिर है कि लाइन्स या लिंक्स इन्वॉल्व हैं लेकिन एक लिंक से जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचे इंटरमीडिएट पॉइंट पे वो पॉइंट मल्टीपल पॉइंट से कनेक्टेड है या उस पॉइंट से आप मल्टीपल पॉइंट तक जा रहे हैं और फिर आगे से हर पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट निकल रहे हैं इसका मतलब ये होगा कि ये एक ऐसा एक वेबसा बन जाता है कि जिसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मल्टीपल रूट मल्टीपल रास्ते बन जाते हैं अब जिस वक्त आप आपके मैसेज को डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया और डिफरेंट पैकेट जब चलेंगे तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो पैकेट है एक पैकेट अगर एक रूट पे जा रहा है तो दूसरा पैकेट जो किसी दूसरे रूट पे भी जा सकता है तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपके जो डिफरेंट पैकेट हैं दे कैन अडोप्ट डिफरेंट रूट या दे कैन बी सेंड ओवर डिफरेंट रूट कौन डिसाइड करेगा ये आप तो डिसाइड नहीं करते क्योंकि आपका कंसर्न तो सिर्फ क्या, कि आपका मैसेज जो है वो आपसे उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए कि जिसको आपने भेजा है तो जो दरमियान में आपका इक्विपमेंट इन्वॉल्व है वो उस वक्त डिफरेंट चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक पैकेट का एक रूट डिफाइन करेगा तो अगर आपके पैकेट्स डिफरेंट टाइम्स पे आ रहे हैं या आगे पीछे आ रहे हैं तो वो हो सकता है कि डिफरेंट रूट्स की तरफ जाएं लेकिन अल्टीमेटली वो पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन तक जिस का आपने के उसको एड्रेस दिया हुआ है अब आपका मैसेज जो है वो यानी ब्रेक हो चुका हुआ है डिफरेंट पैकेट में हर पैकेट को एक आई मिल चुका हुआ है फिर अब उसके साथ साथ ये हुआ कि उनके साथ हेडर्स वगैरह ऐड हो चुके हुए हैं और अब ये जा रहे हैं तो इसका जो पैकेट जो प्रोटोकॉल है इसका एक तो फिर एस्पेक्ट ये है कि आपका ये मुमकिन बिल्कुल ये है कि आपका जो डाटा जा रहा है वो इन पैरल जा रहा होगा यानी बजाय इसका पूरा मैसेज या एक के बाद दूसरा जा रहा है पैकेट अब क्या हो रहा कि जब कर तो एक जो है वो एक रूट पे जा रहा है लेकिन उसी वक्त जो दूसरा पैकेट है, है तो इसमें दूसरी इसमें एक चीज ये आती है कि जब ये डेस्टिनेशन के ऊपर रिसीव होगा तो ये जरूरी नहीं है कि वो उसी ऑर्डर में रिसीव हो कि जिस ऑर्डर में के होना चाहिए या क्योंकि देखे ना अगर आपका लर्स से के आपको मैसेज जो है वो तीन पैकेट्स में डिवाइड हुआ है तो जाहिर है कि उस मैसेज को प्रॉपरली पढ़ने के लिए समझने के लिए प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए उन पैकेट्स की एक खास जरूरी है तो अगर आप फर्ज कीजिए एक दो तीन पैकेट आपके जा रहे हैं दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि पैकेट टू जो है वो पैकेट वन से पहले पहुंच जाए या पैकेट थ्री जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए तो जो रिसीविंग एंड है उसके ऊपर जो आपका जो आपका रिसीपिएंट है उसको उन पैकेट्स को एक खास ऑर्डर में या उस ओरिजिनल ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना होगा ताकि वो उसको मैसेज को या उस डाटा को अपने जो प्रॉपर फॉर्म है प्रॉपर शेप है उसमें देख सके तो ये कॉन्सेप्ट है पैकेट स्विचिंग का ये हम पढ़ चुके हैं कि सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड लेंग बिट्वीन सेंडर एंड रिसीवर मेंटेन ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जाहिर जब तक आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं डाटा सेंड कर रहे हैं वो आपका लिंक मेंटेन रहेगा और जब आपकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी या डाटा ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी तो लिंक को खत्म कर दिया जाएगा अब ये देखिए कि जो आपकी पैकेट स्विचिंग है उसके आपको एडवांटेजेस क्या है पहली बात तो यह है कि जो आपका लिंक है उसकी एक बेटर यूटिलाइजेशन है कि आप जो एक लिंक के ऊपर डिफरेंट टाइम में जो है वो डिफरेंट पैकेट्स का आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपने उसको डेडिकेट नहीं किया जैसे कि आपके पास उसमें यानी उसमें सर्किट स्विचिंग में था कि आपका जो लिंक है वो दो नोड्स के लिए स्पेसिफिक हो गया और उस टाइम के दौरान आप कोई और जो नोड है या कंप्यूटर है वो उस लिंक को इस्तेमाल नहीं कर सकता इसमें ये है कि आपका जो एक लिंक है दैट कैन बी यूज्ड बाय डिफरेंट ट्रांसमिशन तो पहली बात तो यह है कि आपका जो लिंक है उसकी बैटरी यूटिलाईजेशन है पैकेट स्विचिंग में अब देखिए कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है एक कंप्यूटर नेटवर्क में वो कंटिन्यूस नहीं है देट इज साफ बर्स्टी इन नेचर बर्स्टी से है कि जैसे आप एक को डाटा भेजना चाहते हैं या अगर दो कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है तो ऐसा नहीं है कि मुस्तकिल कम्युनिकेशन चल रही है बल्कि ऐसा होता है कि यानी एक दफा डाटा भेजा गया तो अब दरम्यान में कुछ गैप आएगा लाजमी तौर पर यानी वो चाहे आप आ, आ, सोच रहे हैं उस दौरान या किसी से बातें कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं या वट एवर तो उसमें यह है कि आप कंटिन्यूसली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप डेटा सेंड नहीं कर रहे होते बल्कि वो डिफरेंट चंक्स में या डिफरेंट ब्रेक्स के बाद यकदम आप डेटा भेजे फिर ब्रेक फिर डेटा भेजा फिर ब्रेक तो वह बर्स्टी नेचर का है तो उसके लिए जाहिर है कि जब आपके पास इस तरह की कंटिन्यूस डाटा फ्लो नहीं हो रहा या डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो जाहिर है कि लिंक को आप अगर होल्ड करके कर कर रखें या उसको बाउंड करके कर कर रखें तो वो उसकी एक अंडर यूटिलाइजेशन होगी तो इसलिए ये भी पैकेट स्विचिंग का फायदा कि आप उसका जो लिंक की यूटिलाइजेशन है उसको बेहतर करते हैं और फिर तीसरी बात जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका ट्रांसमिशन है यानी सेम मैसेज है वो इन पैरल जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है इसलिए क्योंकि वो पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान डिफरेंट रूट्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं चुनाचे उसमें होगा ये कि आपका सेम मैसेज ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट पैकेट्स वो इन पैरल भी ट्रेवल uh, कर रहा होता है दूसरी टाइप जो नेटवर्क की है स्केल वाइज दैट इज कॉल्ड लैंड यानी लोकल एरिया नेटवर्क जाहिर है कि जैसे के नाम से जाहिर है कि ये न छोटे एरिया पर मुश्तम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है और जैसे लिखा हुआ है इसमें कि यूजुअली दो किलोमीटर तक इसकी आपकी जो लेंथ है इस नेटवर्क की या डिस्टेंस के है कंप्यूटर के दरमियान वो नॉर्मली मैक्सिमम यहां तक होता है पर आमतौर पे जो लैंड है वो हमारी एक जो ऑफिस हैं या एक जो एरिया है ऑफिस का उसमें नॉर्मली ये उस तक होता है उस एरिया को कवर कर रहा होता है एक ऑफिस को एक ऑर्गेनाइजेशन को या जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स पास पास उनको दरम्यान में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप लैन इस्टेब्लिश करते हैं और जाहिर है चूंकि इसमें डिस्टेंस कम है और नॉर्मली जो होता है कि लैन आप अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ऑर्गेनाइजेशन में जब सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें जो हैट्रोजीनिटी है उसका फैक्टर कम होता है यानी यानी क्या होगा कि जो इक्विपमेंट uh, है प्रोटोकॉल हैं जो दरम्यान में इन्वाल्व हैं उनमें वेरिएशन या डिफरेंस जो है वो कम होगा क्योंकि जाहिर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड कर रही है तो वो उसमें फॉर नथिंग उसमें जो ना वेरिएशन नहीं लाएंगे और वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर हम इक्विपमेंट ले रहे हैं तो उनकी कम्पेटेबिलिटी रहे तो चाहे वो सेम लेंगे या अगर डिफरेंट लेंगे तो उसमें वो कंपेटेबल होंगे तो क्योंकि उसमें हाइड्रोजीनिटी का फैक्टर भी इन्वॉल्व नहीं है या इतना नहीं है और दूसरी बात है कि डिस्टेंस कम है तो इसलिए जाहिर है कि आपको इसमें जो आपके पास लेंस हैं इसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलती है और लेटेंसी या जो डिले है नॉर्मली वो कम होता है जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होता है वो इसमें इथरनेट मोस्टली इस्तेमाल होता है और वो आपको हंड्रेड से लेके और थाउजेंड मेगा पर सेकेंड तक जो डाटा uh, ट्रांसमिशन है वो मिलती है तीसरी टाइप का नेटवर्क जो कि स्केल के, के लिहाज से हम डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड मैन या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क दिस इज सम जाहिर है कि लैन आपका लोकल एरिया नेटवर्क है वैन आपका वाइड एरिया नेटवर्क है लैंड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को या करीब की जो बिल्डिंग उनको कवर करता है वैन जो है वो सिटीज के दरमियान और मुल्कों के दरमियान है लेकिन जो आपका मैन है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क वो एक सिटी को एंटायर सिटी या उसकी कुछ पोर्शन को कवर करता है इनको आप लार्जर लैंड भी कंसिडर कर सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन प्रोटोकॉल्स देखिए प्रोटोकॉल हम क्यों स्टडी करने जा रहे हैं उसकी रीजन ये है कि अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं डाटा कम्युनिकेशन या कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में वो फोकस्ड रही हैं एम्फोसिस रहा है उनके ऊपर हार्डवेयर के ऊपर यानी इसमें आपने लिंक्स के बारे में कंप्यूटर्स के बारे में डाटा ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा एंड मोस्ट ऑफ इज मोस्ट ऑफ इट इज फिजिकल यानी कि उसमें हार्डवेयर इन्वॉल्व है लेकिन बात यह है कि अगर हमने दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन करनी है या डेटा ट्रांसफर करना है और प्रॉपरली सही तरीके से ट्रांसफर करना है प्रॉपरली से बात यह है कि जो आपने भेजा वही मिले और सारे का सारा मिले तो उसके लिए सिर्फ उनके दरमियान कनेक्शन स्टेबलिश कर देना या सिंपली कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना थ्रू सम मीडियम इज नॉट अनफ बल्कि उसमें बहुत सा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है जो कि इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है मैनेज करता है और उसको सुपरवाइज uh, करता है कि डाटा जो है वो सही तरह से और प्रॉपर डाटा जो है वो ट्रांसफर हो तो ये चीज जो है दिस इज कवर्ड बाय द प्रोटोकॉल्स तो अब हमारी जो डिस्कशन है वो जो नेटवर्क में प्रोटोकॉल्स इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर होने जा रही है प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स एंड फॉर्मेट्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा

अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि वैन जिसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो हाइट्रोजीनिटी का है क्योंकि इसमें डिफरेंट सिटीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं हो सकते हैं जिसकी बिना पे जो इसमें हाइट्रोजीनिटी है कि वेरिएशन डिफरेंसेस और स्पेशली इन द हार्डवेयर वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि ओरिजिनली जब आप एक सेटअप क्रिएट करते हैं तो कनेक्टिविटी विद अदर्स इज नॉट द प्राइम फैक्टर एट दैट टाइम उस वक्त आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को अपनी जो यानी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको देख रहे होते हैं तो बाद में डेफिनेटली जब इनको लिंक करने की बात आती है तो वहां पर जो है वो जो हाइड्रोजनिटी का फैक्टर उसमें आ जाता है चुनाचे इसलिए जो वैन है जो वाइड एरिया नेटवर्क हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटोकॉल्स की चुनाचे इसमें जो एक आर्किटेक्चर जो आप इस्तेमाल करते हैं वो है आई एस ओ का ओ एस आई अब बात यह है कि इसमें इस आर्किटेक्चर इस की क्या जरूरत है आर्किटेक्चर की जरूरत इसलिए है कि वो आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देगा कि जिसको आप मद्देनजर रखते हुए आप डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफाइन करेंगे जाहिर है कि आप प्रोटोकॉल डिफाइन कर रहे हैं सेट ऑफ रूल या सेमेट डिफाइन कर रहे हैं लेकिन किसके लिए किस सिचुएशन के लिए तो वो आर्किटेक्चर वो फ्रेमवर्क आपको जो प्रोवाइड करता है वो आपको आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है अब आई एस ओ स्टैंड फॉर यू मस्ट बी नोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो ओ एस आई है दैट स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टिविटी तो ये बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जो कि आपको बेस प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने के लिए ISO OSI आर्किटेक्चर जो है वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन सेवन डिफरेंट लेयर्स अब इसमें यह है कि जब आपका डाटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाएगा तो वो इन सातों लेर से गुजरेगा और हर लेयर जो है वो इस पे कुछ प्रोसेस करेगी या हर लेयर से गुजरते कुछ प्रोसेस होगा अब ज़ाहरा कि जब एक लेयर से दूसरे लेयर में डाटा जाएगा अभी हम बात करें सेंडर साइड पर तो डाटा जहर के लेयर्स के दरमियान शिफ्ट कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है तो इसका मतलब से गुजरता हुआ जहरा के लेयर तक पहुंचेगा और उसके बाद डाटा जो है वो आपका वो ट्रांसफर होगा या कम्युनिकेट करेगा थ्रू द मीडियम जो लिंक है दो कंप्यूटर के दरमियान चाहे वो डायरेक्ट लिंक है या चाहे वो थ्रू डिफरेंट कनेक्शन है जब जी ये पहुंचेगा रिसीवर एंड पे तो अगेन फिर यह गुजरेगा इन डिफरेंट लेयर से गुजरेगा और फिर हर लेयर अगेन इसका रिवर्स प्रोसेस करेगी और फाइनली जो टॉप मोस्ट लेयर होगी रिसीवर साइड पे वो उसको एक्चुअल डाटा मिल जाएगा प्रोटोकॉल बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स एट डिफरेंट साइड अब प्रोटोकॉल्स ये है कि जो हमने कहा प्रोटोकॉल क्या है सेट ऑफ फूल फॉर्मेट्स है तो अब जो कॉरस्पॉन्डिंग लेयर है देखे ना हमने कहा था कि जो हमारा जो जो हमारा आर्किटेक्चर है जो हमारा स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है उसमें सात लेयर्स हैं तो जाहिर है कि वो अगर जो हमारा सेंटर वहां पर भी सात लेयर्स हैं और जो रिसीवर वहां पर भी सात लेयर्स हैं तो अब जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जो करस्पॉन्डिंग लेयर्स हैं ऑफ डिफरेंट साइड उनके दरमियान डिफाइन होना चाहिए ताकि जो प्रोसेस एक खास लेयर एक सेंडर साइड पर कर रही है वो जो रिसीविंग साइड पर वही लेयर है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको देख सके कि मैं इसको मैंने क्या इसको ट्रीटमेंट करना है या कैसे ट्रीट करना ताकि ये नेक्स्ट लेयर के लिए यूजेबल हो सके या जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो काम कर रह सके इसके अलावा ये कि जो हमारे पास सात लेयर्स में से जो लोअर थ्री लेयर्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड द कम्युनिकेशन सबनेट क्योंकि उनका जो ताल्लुक है वो फिजिकल जो ट्रांसमिशन है डाटा की उससे है उसका अब ये आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया कि सेंडर साइड पे और रिसीविंग साइड पे और डिफरेंट लेयर्स हैं और आपका जो मैसेज सेंड हो रहा है वो टॉप मोस्ट लेयर से चलेगा सेंडर साइड से और डिफरेंट लेयर से गुजरता हुआ जाएगा और लोअर मोस्ट लेवल पर जाके ये यहाँ से चला जाएगा कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर जब ये रिसीविंग साइड पर जाएगा तो बॉटर मोस्ट लेयर पे रिसीव होगा और ये फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो हर जो लेयर है वो इस पर प्रोसेस करेगी अकॉर्डिंगली और जाहिर है कि फिर प्रोटोकॉल के बेसिस पे इस पर प्रोसेस होगा और फिर इन्वर्स प्रोसेस करते हुए फाइनली जो रिसीवर होगा उसके पास जो ओरिजिनल मैसेज है वो उसको रिसीव होगा। ये जो हमारे पास आर्किटेक्चर था जिसमें सेवन लेयर्स थी ये तो है आईएसओ का ओवर आर्किटेक्चर इसके अलावा एक और आर्किटेक्चर जो कि बहुत मशहूर है वो है टीसीपीआईपी का आर्किटेक्चर इस आर्किटेक्चर में पांच जगह सात लेयर्स हैं और ये जो आर्किटेक्चर की स्टैंडर्जेशन है बल्कि जो प्रोटोकॉल की स्टैंडर्डाइजेशन है इसको एक ऑर्गेनाइजेशन आई उसकी डिफरेंट कमेटीज़ हैं जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करती हैं तो जो प्रोटोकॉल्स हैं नेटवर्क के इनको आई की कमेटी है 802, वो मैनेज करती है और वो डिसाइड करती है डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को और फिर उसके बाद जब वो डिसाइड करते हैं जब उनको स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर जो भी कंपनीज या जो भी लोग इस प्रोसेस में इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे वो अपनी चीज़ों को शेप अप करेंगे डिफाइन करेंगे उनके मुताबिक डियर स्टूडेंट दैट वॉज ऑल दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस कोर्स यानी हमने अभी तक डेटा बेस के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में और नेटवर्क के बारे में जितना कुछ जरूरी था इस कोर्स की भी दैट वी है यहां से जो बैकग्राउंड टॉपिक था या सेक्शन था हमारे इस कोर्स आउटलाइन का दैट हैज बीन डिस्कस्ड अब हम चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ विच इज द आर्किटेक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड एयर बेस मैनेजमेंट सिस्टम अब देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि जो आर्किटेक्चर है उसकी इंपॉर्टेंस है क्योंकि तो वेन एवर यू तो आर टॉकिंग अबाउट सम थिंग अगर आप किसी किसी टूल की बात करते हैं किसी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस पर डिफरेंट टूल्स डिफाइन करने जा रहे हैं वो अप्लाई किस चीज के ऊपर होंगे इसलिए आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट अब जहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर अवेलेबल हैं अब डिफरेंट क्यों है डिफरेंट इसलिए है कि हमारे पास जो सेटअप्स हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के लिए वो डिफरेंट है तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आर्किटेक्चर सूट करते हैं तो आपको यह है कि आपको इसका पता होना चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि हमें एक फला इन्वायरमेंट में फलां सेटअप में कौन सा आर्किटेक्चर अडॉप्ट करना चाहिए और फिर इसके अलावा ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि आप ये भी जान सकें कि एक फला आर्किटेक्चर एक फला सेटअप अगर आप किसी जगह पर देखते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कौन सा पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है क्योंकि जो चीज़ों से डीलिंग है जो चीज़ों की कंप्लेक्सिटी है जो चीज़ों में एफर्ट है वो उस आर्किटेक्चर के मुताबिक ही चाहिए होता है इसका मतलब है कि जो आपको एफर्ट चाहिए टू एस्टेब्लिश ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम वो डिफरेंट आर्किटेक्चर में डिफरेंट है क्यों ये आप देखेंगे जब हम इन आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे तो आइए आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आर्किटेक्चर के ऊपर आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइंस इट स्ट्रक्चर यानी उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनमें से हर कंपोनेंट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है और फिर यह है कि वो जो कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं दिस इज ऑल दट इज डिफाइंड इन द आर्किटेक्चर ऑफ एनीथिंग डियर स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर पार्ट part में अपने कोर्स के हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अब अब ऐसा है कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोग इस अपनी इस डिग्री के बाद रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि आपको जो पब्लिकेशंस हुई हैं अपने एरिया में जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं उस एरिया में जो रिसर्च हुई है उससे जो रिलेटेड पेपर्स हैं वो आप पढ़ें ताकि आपको यह अंदाज़ा हो कि इस एरिया में काम क्या क्या हुआ है ये जो आप सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये रेफरेंस है एक रिसर्च पेपर का जो कि एक बहुत मशहूर पेपर है नाइनटीन में लिखा गया था और ये एक जर्नल है बहुत मशहूर एसीएम कंप्यूटर उसमें पब्लिश हुआ था इस पेपर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड के डिफरेंट आर्किटेक्चर हैं वो डिस्कस किए गए हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पेपर को जरूर पढ़ें खासतौर तो पर वो लोग जो फ्यूचर में रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इस बुक में जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं इस बुक का जो चैप्टर जिसको जिसमें कि आर्किटेक्चर डिस्कस किए हुए हैं, ये चैप्टर भी काफी बेस करता है इसी पेपर के ऊपर या इस का रेफरेंस है इस चैप्टर के अंदर तो अगर आप ये पेपर पढ़ेंगे तो एक तो इससे अब यह होगा कि आपका जो एक रिसर्च ओरिएंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस पे और टॉपिक्स के ऊपर भी जो रिसर्च पेपर है वो रेफर करता रहूंगा तो इससे आपको बजाय वो जो कि चैप्टर में लिखा हुआ है आपको जो पूरा पेपर जिसमें कि बहुत थोड़ा डिस्कशन हुई है डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर आपको वो समझ आएगी या कुछ अंदाजा होगा तो आज से अब हमारे जो एक रिसर्च एस्पेक्ट है हमारे इस कोर्स का उसका भी आगाज होगा कि आपको डिफरेंट रीडिंग्स जो है वो मिलेंगी इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स अब इस सब्जेक्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास तीन मेजर आर्किटेक्चर डिस्कस किए गए हैं वो ये हैं इनमें से एक है पीयर टू पीयर एक है क्लाइंट सर्वर और एक है बर्टी डेटाबेस अब ये तमाम जो सिस्टम बेसिकली दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डाटाबेस डेटाबेस के अगेन दिस कैटेगराइजेशन इज आइडियालाइज इन द सेंस के तमाम सिचुएशन में आप क्लियरली इन फॉर्म्स में चीजों को डिवाइड नहीं कर पाएंगे बाज दफा ऐसा होगा कि थिंग्स वीड बी ओवरलैपिंग और एनी वे ये तीन मशहूर या मेजर आर्किटेक्चर्स हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम एनवायरमेंट के डियर स्टूडेंट्स आप डेफिनेटली जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी इंपॉर्टेंस से या उसकी जो सिग्निफिकेंस uh, है उससे फेमिलियर होंगे जाहिर है कि जैसे मैंने इसे आपसे पहले कहा था कि जब आप एक एन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू नो कि हम वहां पे किस आर्किटेक्चर की जो फ्रेमवर्क है वो क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अब जो हमारे पास ये डी या डी के जो आर्किटेक्चर है इसकी जो डिस्कशन है उससे पहले हमें थोड़ा सा वापस जाके देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास नॉर्मल डी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है या जो सेंट्रलाइज्ड डी है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है क्योंकि जाहिर है कि पहले इस्तेमाल होना शुरू हुए आपके सेंट्रलाइज या नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डी तो जो स्टैंडर्डाइजेशन की या जो आर्किटेक्चर की स्टैंडाइजेशन है उसकी जो डिस्कशन है जो एफर्ट है वो वहां से स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि वो क्या था और फिर उसके बाद हम जब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर तो आपको अंदाजा होगा कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है क्यों है और किस किस जगह पर है ना दी बी एम एंडल फ्रेमवर्क टू डिड देशन वर्क इन मैनेजेबल पीसेस अब जो डिफरेंट हमारे पास जो स्टैंडराजेशन की अप्रोचेज थी या जो कहना था बेसिस थे वो तीन थे एक था कंपोनेंट बेस्ड एक था फंक्शन बेस्ड एक था डाटा बेस्ड यानी जो हमारे पास डीबीएमएस था वे टॉकिंग अबाउट दिस सेंट्रलाइज डी बी एम एस या नॉन डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं उसकी जब आ, जब एफर्ट स्टार्ट हुई उसको स्टैंडलाइज करने की तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज थी कि उसको कंपोनेंट बेस पे या फंक्शन बेस्ड पे या डेटा बेस के ऊपर हम उसको सेंडरलाइज करें अब कंपोनेंट बेस से हम बात यह है कि आप अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स डिफाइन करें और फिर ये देखें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या करेंगे और फिर उनके दरम्यान कनेक्टिविटी क्या है इसका जो मतलब एडवांटेज है जो कंपोनेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन का या स्टैंडाइजेशन का उसका एडवांटेज तो ये है कि इसमें चीज़ों को डिजाइन करना या उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आसान थी लेकिन यह है कि आपको ये डिटर्मिन करना कि सिस्टम क्या करेगा सिर्फ ये देख के, के एक कंपोनेंट क्या कर रहा हैल्टी दिस वॉज डिफिकल्ट टू डिटर्मन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम बाय सी द फंक्शनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल सिस्टम्स एनीवे एक पॉसिबिलिटी डीबीएमएस को स्टैंडाइज करने की थी कंपोनेंट बेस्ड दूसरी पॉसिबिलिटी डीबीएमएस आर्किटेक्चर को स्टैंडाइज करने की थी वो थी फंक्शन बेस्ड इसका यह था कि हम ये देखें कि डीबीएमएस के साथ डीबीएफएस एनवायरमेंट के साथ किस किस टाइप के यूजर्स का इंटरेक्शन है या डीबीएमएस ने किस किस तरह के यूजर्स को -के साथ इंटरेक्ट करना है और फिर हर क्लास ऑफ यूजर्स या हर ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डीबीएमएस ने क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है तो इस बेसिस पे हम एक आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते थे फिर वही बात है कि आर्किटेक्चर में है क्या बेसिकली आर्किटेक्चर में यही है कि आप उसके डिफरेंट सब सिस्टम करें और उनके करें। तो पहली पॉसिबिलिटी करें और दूसरी पॉसिबिलिटी है फंक्शन बेस्ड के ऊपर करें और तीसरी पॉसिबिलिटी थी डाटा बेस्ड यानी हम ये देखें कि डीबीएमएस ने किस किस लेवल पे किस किस तरह के डाटा को प्रोसेस करना है उसको मैनेज करना है और उस बेसिस के ऊपर हम डीबीएमएस के डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफाइन करें और उनकी आपस में जो वर्किंग है उसको डिफाइन करें अब प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जब हमने एक्चुअल जो एक आर्किटेक्चर को डिफाइन किया है तो प्रैक्टिकली ये है कि अब वो सम हाउ अदर उसमें तीनों एस्पेक्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं या तीनों को उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है और ये जो हमारे पास तीनों जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं यानी फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बेस्ड और डाटा बेस्ड दे आर और टू इच अदर इससे बना यह है कि आप ने जो आर्किटेक्चर डिफाइन किया है या जो करेंगे उस पर तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है वो अप्लाई हो सकती है वो इस पे बेस नहीं करता क्योंकि उसका ये टाइप है तो इसकी यही होनी चाहिए ऐसा नहीं है बल्कि अगर हमने इसको चाहे हमने इसको कंप्यूटर बेस्ट बेस पे देखना है उसको या हमने इसको फंक्शन बेस पे देखना या डाट बेस पे देखना है तो तीनों जो उसकी क्लासिफिकेशन है तीनों टाइप क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है बिकॉज दे आर टू देच अदर और फिर इसमें यह है कि जो ये आ, आ, जो हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन थी इसकी जो हमारे पास आर्किटेक्चर था इसको डिफाइन किया था एक कमेटी थी जो के बनाई थी एनसी ने एनसी का एक ग्रुप था जिसका नाम था स्पार्क स्पार्क से बता कमेटी तो एनसी ने स्पार्क के अंडर एक कमेटी क्रिएट की थी 1972 में तो उन्होंने इस स्टैंड प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू किया था और उन लोगों ने अपनी दो रिपोर्ट्स जमा कराई एक रिपोर्ट उन्होंने जमा कराई थी 1975 में और दूसरी रिपोर्ट उन्होंने तो इस जो सेकंड रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे जो है ना वो हमारा जो डीबीए का आर्किटेक्चर था वो स्टैंडर्डाइज हुआ फाइनल हुआ और फिर इसका नाम जो पढ़ा जो इसका प्रॉपर नेम पढ़ा वो पढ़ा एनसी स्पार्क डीबीएमएस फ्रेमवर्क और ये जो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिफाइन हुआ था अब डीबीएमएस की जितनी भी वर्किंग है वो उस स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए होती है और अब 1977 में ये प्रेजेंट हुआ और आज तक यही स्टैंडर्ड है और आप खुद सोच सकते हैं कि 1977 से लेकर आज तक कितना काम हो चुका होगा डाटा के ऊपर तमाम के लिए जो बेसिस प्रोवाइड करता है वही वो स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है जो इन लोगों ने डिफाइन किया था मेनली वो डाटा बेस्ड हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी लेकिन जैसे मैं आपसे पहले कहा था कि इस पर जो बाकी दो क्लासिफिकेशंस हैं वो भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं डियर स्टूडेंट्स ये जो शक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये हमारा वो रेफरेंस मॉडल है या ये आर्किटेक्चर है जो कि एनसी स्पार्क की उस कमेटी ने प्रपोज किया था या जिसको के स्टैंडर्ड मान लिया गया है और आज तक माना जा रहा है और एक बात का ध्यान रहे कि ये जो रेफरेंस मॉडल है जो जो रेफरेंस आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर है है दिस इज फॉर डीबीएमएस यानी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड अगरचे ये आर्किटेक्चर जो, जो स्पेसिफिकली है वो डिजाइन किया गया था उस वक्त डी डीबीएमएस के लिए या मेनली इस्तेमाल हुआ उस वक्त से लेकिन ये बात जहन रखिएगा कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप है जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस व सिस्टम है ये आर्किटेक्चर उनमें भी मौजूद है एज सच तो नहीं लेकिन इसकी एक वेरिएशन यानी इसमें कुछ और लेवल्स कह लें आप या कुछ और इसमें जो कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर ये सेटेलाइट डेटा के लिए एज सच इस्तेमाल होता है जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा रेफरेंस मॉडल है ये बेस करता है तीन लेवल्स पे या तीन लेयर्स के ऊपर इनमें से जो टॉप पोस्ट है उसे हम कहते हैं कि एक्सटर्नल लेवल मिडल में जो है उसे कंसेप्चुअल लेवल और जो लोअर मोस्ट है या जो, जो बॉटर मोस्ट है वो कहता है इंटरनल लेवल इनको हम जो लेवल जिसको हम कह रहे हैं उनको हम व्यू भी कहते हैं तो हर लेवल या व्यू जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कीमा और स्कीमा के बारे में हम पढ़ चुके हैं स्कीमा इज बेसिकली मेडा डाटा यानी डाटा अबाउट डाटा तो हमारे जो जो तीनों स्कीमाज़ हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ योर डीबीएमएस मॉडल अब आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्सटर्नल लेवल है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सटर्नल स्कीमा दैट इज फॉर द एंड यूजर्स यानी जिसके लिए आपने ये प्रोडक्ट बनाई है या जिसके लिए आप डाटा बना रहे हैं उनको जो डाटा नजर आता है जिस फॉर्म में नजर आता है दैट इज द एक्सटर्नल व्यू एक्सटर्नल लेवल और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सटर्नल स्कीमा उसके बाद यह है कि जो आपका पूरा डाटा है उसकी जो डेफिनेशन है या आपके तमाम एक्सटर्नल व्यूज के लिए जो जिस बेस प्रोवाइड कर रही है या जो आपका ओवरऑल डिजाइन है आप डाटा का दैट इज रिप्रेजेंटेड एट द कंसेप्चुअल लेवल और दैट इज रेटेड बाय द कॉन्सेपचुअल स्कीमा अब इसमें यह है कि आप ये देखिए जहां तक एक्सटर्नल लेवल की बात है उसमें यह है कि बहुत से डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज जो हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और हर व्यू जो है वो एक सिंगल यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर इस्तेमाल करेंगे अब उसमें यह होता है कि जहरा के व्यू को डिफाइन करते हुए आप जो मेजर प्रियोरिटी देते हैं वो उस यूजर ग्रुप को देते हैं जिसको कि आपने टारगेट किया हुआ है जिसके लिए आपने एक व्यू डिफाइन किया हुआ है जो आपका एक व्यू है उसको मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे होते हैं अब क्योंकि प्रेफरेंस है यूजर्स की तो हो, होगा ये कि एक ही डाटा को एक ही पीस ऑफ डाटा को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हैं क्योंकि जहरा अपनी प्रेफरेंस है अपनी लाइक स्टिक्स है तो इसमें मतलब ये हुआ कि आपका जो सेम पीस ऑफ डाटा है डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर रहे हैं और एक और चीज ये है कि जो आपका कंसेप्चुअल लेवल पे है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है वो सारे का सारा व्यू में शामिल नहीं होता नॉर्मली जो आपका एक्सटर्नल व्यू है वो सबसेट होता है आपके कंसेप्चुअल व्यू का या कंसेप्ट लेवल पे जो स्कीम है उसका चुनाचे आपका जो कंसेप्चुअल लेयर है कंसेप्चुअल लेवल है वो बेस प्रोवाइड कर रहा है आपके तमाम एक्सटर्नल व्यूज के लिए और सबसे नीचे जो इंटरनल स्कीमा है या जिसको हम फिजिकल स्कीमा भी बार कहते हैं वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रैक्टिकली डाटा कंप्यूटर में या डिस्क पे स्टोर कैसे होगा तो कंस्टक्चुअल स्कीमा जो है दैट इज ए व्यू फॉर द डीबीए एक्सटर्नल स्कीमा जो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट होते हैं दे आर फॉर दूजर्स और जहां तक इंटरनल स्कीमा की बात है या फिजिकल स्कीमा की बात है दैट इज फॉर दंप्यूटर या दैट इज फॉर द डीबीएमएस कि डीबीएमएस जो है वो इस चीज को मैनेज करता है कि डाटा जो कि आप स्टोर करना चाहते हैं वो कैसे स्टोर होगा क्योंकि वहां पे उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको डाटा जो रिट्रीव हो वो एफिशिएंटली हो तो इस तरह इसको डिफरेंट लेयर्स में मैनेज करने का आपको एडवांटेज ये है कि आप एक खास लेवल के ऊपर एक एक खास तरह के डाटा को ही डाटा को खास तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं और दूसरी बात यह है कि आपको इस मॉडल का इस आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है डेटा इंडिपेंडेंस जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हुए डेटा इंडिपेंडेंस आपको इसी आर्किटेक्चर की वजह से हासिल होती है कि आप इन डेटा को डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरीकों से मैनेज करते हैं और इसमें आखिरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जो डी है या डिजाइनर है उसका जो मैक्सिमम कंसर्न है इस आर्किटेक्चर के मुताबिक वो एक्सटर्नल और कंस्ट्रक्टिव स्कीमा के साथ है मैक्सिमम ऑफ द इंटरनल स्कीमा एक्टिविटीज दे आर मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द डीबीएम इट सेल्फ जरूर है कि उसमें जो डीबीएमएस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट बहुत सी रहता है और उसके फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए डी बी एम एस जो है इसको मैनेज करता है डियर स्टूडेंट्स आज यहां पे हमारी डिस्कशन जो है वो खत्म होगी क्योंकि आज का टाइम खत्म हो चुका है आज के लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशन को अप किया नेटवर्क के ऊपर और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि था कि आर्किटेक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हमने जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डी बी एम एस एस है उनका जो एक रेफरेंस मॉडल है जो रेफरेंस आर्किटेक्चर है उसको डिस्कस किया है तो हमारी जो आर्किटेक्चर पर डिस्कशन है वो इनशाला अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेगी अब मैं आपसे जानना चाहूंगा अल्लाह हाफिज